ढांचे की हड्डियां जोड़। हमारे ढांचे की हड्डियां बेहद सख्त होती हैं, जिनसे जिस्म को मजबूती मिलती है। अगर हमारा ढांचा सिर्फ एक ही सख्त हड्डी से बना होता तो इसका हरकत करना नामुमकिन हो जाता। कुदरत ने हमारे ढांचे को मुख्तलिफ हड्डियों में तकसीम करके हमें इस मुश्किल से महफूज रखा है, और जहां भी दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, वहां जोड़ बना दिए हैं। चलिए आज हम अपने जिस्म के कुछ अहम जोड़ों के बारे में जानते हैं। हड्डियों के वो जोड़ जो हरकत करते हैं उन्हें मुतहर्रिक जोड़ सिनोवियल जॉइंट कहा जाता है, जैसे कंधे और घुटने के जोड़। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हरकत नहीं करते हैं, जैसे हमारी खोपड़ी या छाती के जोड़। सिनोवियल जोड़ की शक्लें अलग अलग होती हैं। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो हड्डियों को मुतहर्रिक होने में मदद करते हैं। जोड़ ये तय करते हैं कि हमारा जिस्म कौन कौन सी हालत इख्तियार कर सकता है और इसे किस हद तक खींचा जा सकता है। सिनोवियल जोड़ के 6 अकसाम हैं: हिंज, पिवट, बॉल और सॉकेट, एलिप्सॉइड, सैडल और प्लेन। चलिए हर एक की तफसील जानते हैं। हिंज जोड़। हिंज एक बहुत ही आसान जोड़ होता है। इससे जुड़ी हड्डियाँ सिर्फ अपनी धुरी पर हरकत कर सकती हैं। इससे जुड़ी दो हड्डियों में से एक का सर बेलन की तरह होता है और दूसरी हड्डी इस बेलन के इर्द गिर्द लपटी हुई होती है, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ इस तरह से घूम सकती हैं। ये हड्डियाँ आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि इनका इस तरह से या इस तरह से इनके लिए घूमना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस तरह से घूम सकती हैं। बिल्कुल दरवाजे के एंगल की तरह, जो दरवाजे को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। इसी तरह की हालत हमारी कोहनी के जोड़ की है। अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ने की कोशिश करो। हिंज जोड़ की वजह से ही आप इसे इस तरह मोड़ सकते हो, तो कोहनी की हड्डियों के बीच का ये जोड़ अगर सिर्फ ऐसे और ऐसे हिल सकता है, तो फिर हम अपने हाथों के आगे के हिस्सों को ऐसे कैसे मोड़ सकते हैं? चलिए अगले जोड़ को देखते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पिवट जोड़। पिवट जोड़ भी हड्डियों को सिर्फ अपने महवर पर ही घूमने देता है। इससे जुड़ी हड्डियाँ खड़ी या लंबी दूरी पर घूम सकती हैं। पिवट जोड़ में भी एक बेलन जैसी हड्डी होती है, जो एक दूसरी हड्डी या आसाप के अंदर घूमती है, और ये दूसरी हड्डी इस बेलन के चारों तरफ एक अंगूठी की तरह लिपटी रहती है। इसकी मिसाल है कोहनी के ठीक नीचे का जोड़, जिसे हाथ की निचली हड्डी रेडियो अल्नर कहते हैं, और हमारी कलाई की हड्डियों के जोड़। इन दो जोड़ों के मिलाप से हम अपने बाजू को कोहनी से ऐसे मोड़ सकते हैं। चिमटे से रोटी पलटते वक्त ये पिवट जोड़ ही हमें बाजू को इस तरह से मोड़ने देता है। अब जरा आप अपने बाजू को ऐसे मोड़कर देखो, आप समझ जाओगे पिवट जोड़ किस तरह काम करता है। गेंद और प्याला नुमा जोड़। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जोड़ सबसे मजेदार है। जैसे इसका नाम है, वो देखने में भी ठीक वैसे ही दिखाई देता है। एक कटोरे या सॉकेट जैसी हड्डी के अंदर एक गेंद या बॉल जैसी हड्डी। इस जोड़ का आसान और असरदार ढांचा इससे जुड़ी हड्डियों को तमाम सिमतों में आराम से घूमने देता है, आगे पीछे, महवर के इर्द गिर्द और गोल गोल। बॉल एंड सॉकेट जोड़ की दो मिसालें हैं, हमारे कंधे और कूल्हे पर मिलने वाले जोड़। कूल्हे के जोड़ में जो हड्डी कटोरे जैसी होती है, वो काफी गहरी होती है, जिसकी वजह से इस जोड़ को बहुत मजबूती मिलती है। लेकिन हाँ, इससे उसके हरकत करने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कूल्हे की हड्डी से जुड़े अपने पैर को आप चक्री की तरह हर सिमत में नहीं घुमा सकते। पैरों के घूमने की एक हद मुकर्रर होती है। कंधे के जोड़ में कटोरे जैसी हड्डी बहुत गहरी नहीं होती है, इसी वजह से ये हड्डियाँ बहुत आसानी से हरकत कर सकती हैं, लेकिन इनकी मजबूती थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आप अपने बाजू को कंधे से हर सिमत में घुमा भी सकते हैं, लेकिन कंधे की हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना भी बहुत ही आम बात होती है। बेजवी जोड़। एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जोड़ बॉल और सॉकेट जोड़ से बहुत मिलता जुलता है। दोनों में फर्क ये है कि एलिप्सॉइड जोड़ गोल ना होकर अंडे की शक्ल का होता है, और इसी वजह से ये बॉल और सॉकेट जोड़ की तरह घूम नहीं सकता।
जहाँ से हमारी हथेली शुरू होती है वहाँ की हड्डियाँ जिन्हें रेडियो कार्पल कहते हैं वहाँ पर एलिप्सॉइड जोड़ पाया जाता है। इन हड्डियों का ग्रुप और इनके दरमियान का एलिप्सॉइड जोड़ तब हरकत में आता है जब आप किसी को अलविदा या बाय बाय कहने के लिए हाथ हिलाते हैं। फिसलने वाला जोड़ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट एलिप्सॉइड जोड़ से मिलते जुलते हैं लेकिन इससे जुड़ी हड्डियाँ एलिप्सॉइड जोड़ से जुड़ी हड्डियों के मुकाबले में कम हिल पाती हैं। इसका ढांचा बड़ा दिलचस्प होता है। दोनों ही हड्डियों में एक मुहद्दिब कॉन्वेक्स यानी उभरी हुई और एक मकार कॉनकेव यानी धसी हुई सतह होती है। एक हड्डी की मुहद्दिब सतह दूसरी हड्डी की मकर सतह पर इस तरह से फिट रहती है। जिस्म में सैडल जोड़ की मिसाल अंगूठे का जोड़ होता है जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। अपने अंगूठे को ऐसे हिलाकर आप सैडल जोड़ को काम करते देख सकते हो। सादा जोड़ प्लेन जॉइंट। प्लेन जोड़ एक बहुत ही आसान जोड़ होता है जिसमें दो हमवार सतहें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ सरक सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह से हरकत नहीं कर सकती। ये आम तौर पर हथेली की हड्डियों के बीच और पैर के पंजों की हड्डियों में पाया जाता है। आपने अभी अभी अपने जिस्म के 6 अलग अलग जोड़ों के बारे में सीखा है। अब क्या आप एक एक करके इन तमाम जोड़ों को अपने जिस्म में ढूंढ सकते हो? और आपका क्या ख्याल है कि इन तमाम जोड़ों में से सबसे ज्यादा काम वाला जोड़ कौन सा है? जरा बताइए।